जायत की बंजारी मारा टांडा जाय लिया दूर छोरा छोरी गो दिया मैं जाना पड़े जरूर। ये मेरी पहली रागनी थी। अच्छा। जिस टाइम मैं इस लाइन में आया या मैं स्टेज पर चढ़िया अरे तो फोन ना है था अगर फोन के ऊपर नहीं होता दे काम समेट गया ना आइएगा और गोद भी आई साथ चले ना रहा काम लो आइएगा ये तो फोन ना है था सिस्टम चाल। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया, राहुल ऑफिशियल चैनल पर आपका सभी भाइयों का स्वागत है। आज आप हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे कलाकार के साथ, एक प्रचारी कलाकार, एक समाज सेवी कलाकार के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो ईश्वर छात्र एक बहुत ही मशहूर ऐसे कलाकार हैं, जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल पब्लिक को खुश रखते हैं, उनसे आज उनके बारे में पूछेंगे। तो सर एक बार राम राम करते हैं। राम राम जी सभी श्रोताओं को और किसान और मजदूर को, सभी संगठनों को राम राम। तो सर एक बार तो पूरा परिचय दे दियो सर अपना, गांव गुवांड जिला तहसील है। गांव छात्र है और नाम ईश्वर सिंह प्रचारी, जिला जींद हरियाणा। हाँ वैसे तो आप परिचय के मोहताज भी नहीं हो सर, सारे आपको जाना है, फिर भी सर एक बार परिवार का बारे में और बता दो, आपका परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में मेरी माँ है, भाई है, बच्चे हैं, भाई घरवाली है, चाचे ताऊ हैं, परिवार परमपिता परमात्मा से बहुत बड़ा है। अच्छा सर, तो पढ़ाई की बात भी करा जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है सर? पढ़ाई तो ना ही पूछेगा जी, ठीक से पढ़िया तो मतलब कड़िया अच्छा हुआ है, उसने पढ़िया पुढ़िया कुछ नहीं। अच्छा, कमे पढ़िया हूँ मैं नाम मात्र का। अच्छा, जन्म के बारे में और बता दे सर, कौन सा सन में जन्म हुआ था, आज कितने साल के आप हो गए सर? जन्म ये 48 का हो गया मैं। अच्छा, 48 साल का हो गया। गुरु कौन रहे हैं सर आपके? मेरे गुरु मेरे भगवान स्वर्गीय श्री सूर्य सिंह छात्र, एक बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही हरियाणा प्रदेश के बहुत अच्छे कलाकार, आवाज़ के धनी, और एक मेरे लिए आदर्श थे, भगवान थे और भगवान हैं। तो छात्र से ही आपके गुरु थे सर? हाँ, गांव छात्र से था। तो आप एक चुटकले गा पब्लिक नसाने के लिए, ऐसा कलाकार जिसका नाम तो आप जाने भी जाओ हो, एक ऐसा कलाकार ईश्वर छात्र, तो एक चुटकले जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं सर? पहली बात तो सुनाए जावे कहे जावे, तो चुटकला तो यार ये सभा की उससे या पब्लिक की उससे या कोई मतलब मनोरंजन का तौर पे कहिए या कोई बात ऐसी आवे पब्लिक में तो उसके आधार पर कहा जाया करे चुटकला, तो या जो मुद्दा मैटर पे बैठे उसके आधार पर बोलिया जावे। फिर ये याद कैसे रहते हैं जी, जो हर एक प्रोग्राम में एक दो नया चुटकला जरूर लेकर आओ, तो याद कहाँ से करते हो सर? याद तो ये यार काम कर्म है, काम कर्म गला अभ्यास है, काम है, कर्म है, रोजी रोटी है, रोजगार है, तो उस वह सारी चीज़ गला जब काम में ही होगा, काम याद भी रखने पड़ेंगे, करने भी पड़ेंगे, कहने भी पड़ेंगे, ये कोई बात नहीं। तो कोई भी एक चुटकला याद है सर? ना न्यू चुटकले तो गणे हैं, हजारों है, हजारों नहीं मिलगण, कई हजार हैं चुटकले तो ईश्वर के याद, लेकिन वो तो पब्लिक के आधार पर कहा जावे चुटकला तो भाई छोटे भाई। तो सर कोई भी बेस्ट रागनी कौन सी सर आपकी, सबसे बेस्ट रागनी? नहीं वैसे मेरी तो रागनी के रागनी तो दादा लक्ष्मी मांगे धनपत बाजे हरिके साधु राम ज्ञानी राम, भाई बहुत से एक बड़े हमारे आदरणीय पूजनीय विद्वान थे हुए और कवि राज का उनको दर्जा है, भगवान का दर्जा है, सभी रागनी एक से एक बढ़िया, कोई ऐसा कवि ना था जिसकी बात कोई कमज़ोर हो। अच्छा, सभी बढ़िया थे। तो सर आपने पहली रागनी कौन सी गाई थी सर स्टेज पर? पहली रागनी थी मेरी, याद है मेरे अगजायत की बंजारी मारा टांड, दो लाइन सही है सुनाई दे सर शुरू में ना, शुरू में तो न्यू मेरे को नहीं गाया जावे, और जायत की बंजारी मारा टांडा जा लिया दूर छोरा छोरी गो दिया मैं जाना पड़े जरूर, ये मेरी पहली रागनी थी। अच्छा, जिस टाइम मैं इस लाइन में आया। हाँ। या मैं स्टेज पर चढ़िया। हाँ। हाँ।
तो सर कहाँ पे ये मतलब आपने मौका मिलिया, मौका ही कह लो, शुरुआत में तो हर एक को मौके मिलते हैं, तो कहाँ पे प्रोग्राम था जब आपने पहली रागनी के स्टेज पे मौका मिला? ये अपना गुआंड हलीपुरा, मेरा गुरु के साथ था मैं। अच्छा जी। और उस गांव में मैंने पहली बार रागनी गाई। तो सर अगर किसी भी प्रोग्राम में आप अब भी जाओ तो पहले रागनी तैयार करके जाओ, हो भाई यही रागनी वहाँ पे गानी है, या स्टेज पे जाकर फिर तैयार अपने आप आ जाती, याद अपने आप आ जाती? देखिए राहुल भाई, ये तो मतलब मैं तो उसी को कलाकार मानता हूँ जो स्टेज का माध्यम से और जो पब्लिक का हाव भाव देख कर और किस मुद्दे पे कहाँ तू खड़िया है, कितना गाना है, कितना सुनाना है, उसी के आधार पर गावे जे ओए एक बहुत अच्छा कलाकार है और उसी को मैं कलाकार मानूँ। अच्छा सर, तो एक बात और बताओ सर, ये शौक है जो गाने बजाने का, ये कहाँ से लग गया था सर आपको? ये तो सन 1991 में मतलब मेरे गुरुजी मेरे भगवान खैसात में गया था मैं, और पहले छात्र गांव में या गांव गुआंड में उसका प्रोग्राम देख काया करते, सुन काया करते, एक रुचि बढ़ी, एक अभ्यास बढ़िया, एक मन में न्यू हुई भाई जो गुरुजी काम कर रहे हैं तू भी इस लाइन में आज, तो उसने मतलब उस लाइन में मैं आया और परमपिता परमात्मा ने और समाज ने भाई भाईचारा ने साथ दिया, तो मैं इस बात के लिए गुरुजियों का भी और परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद करूँ हूँ। तो सर पहले जब शुरुआत करी रागनी ये गाई थी या फिर एक ऐसे कलाकार चुटकला सुनाए थे जो आपने चुटकले सुनाई या रागनी आई थे शुरुआत करी थी जी? देखिए मैंने छोटे भाई रागनी ये गाई है, चुटकले चटकले फिर अभ्यास हो गया और समाज ने पब्लिक ने श्रोताओं ने आशीर्वाद दे दिया तो फिर साथ में चुटकले भी लाए गए कहण नीचे मेरा तो पहले दिन तक मतलब रागनी ये गाया करता, ये तो बाद में अभ्यास बढ़िया। तो सर जैसे आपका नाम ये फिर धीरे धीरे सुपरहिट हो गया हरियाणा में, तो पार्टियां ने भी आपने मौका मतलब पार्टी भी कंधे होंगे जी आप तक मौका दिया होगा, मतलब को फिर किस पार्टी के साथ किस बड़ा कलाकार के साथ आप जुड़े थे सबसे पहले? नहीं कलाकार तो मैं मेरा गुरु गला रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं गया, ना मैं किसी का साजंदा बन के गया, ना मैं किसी का दूसरे स्टेज पे प्यार प्रेम में, वैसे सारे सीनियर साथी है सारे अच्छे हमारे से अच्छे कलाकार हैं, लेकिन मैं गया किसी के साथ नहीं, मेरे गुरु से सुबह आज तक मैं किसी के साथ गया नहीं। आपका गुरु के साथ कितने साल तक गए आप? मैं 16 साल गया। 16 साल आपका गुरु के साथ। तो सर इतने बड़े करियर में आज तक मतलब आपने एक अपना गुरु से छोड़कर और कोई कलाकार किसके साथ मजा आया जी गान में भी, जो आप स्टेज संचालक हो वो दूसरे कलाकार आ रहे हो उसके साथ किसके साथ मजा आया जी, किस कलाकार के साथ? देखिए राहुल, हम सभी कलाकार बढ़िया है, कोई कलाकार मतलब सभी यार मेरे से तो, और भी मैं तो अनपढ़ भी हूँ बांगर का, तो भाई सभी बढ़िया है और काफ़ी कलाकारों के साथ में मैंने काम करे है, चाहे वो रंगकाट की बात हो या मिलन दुलन की बात हो या स्टेज की बात हो, तो सबका बढ़िया मन मान सम्मान कराया भी हर मिला भी सबका, इसमें भी कोई बात नहीं है। आप किसी कलाकार तो मतलब ये नहीं कि भाई ये तेरे से नीचा है या तेरे से लड़का है, सभी को सीनियर मानना चाहे गाना आओ है या ना आओ, मैं तो उसको भी सीनियर मानूँ। अच्छा, हाँ सभी सीनियर है अपने लिए। तो सर खुद की कोई आपकी लिखी हुई रागनी है सर? देखिए रागनी तो वैसे दो चार बात तोती आस की लिखी है और नहीं तो मैं तो किसाना की या मजदूर की या खा पंचायतों की या भाई राजनीति इन्हें का खासकर स्टेजा में काम करया है और इन्हें की रागनी में लिखूं। तो सर आपके साथ ये भी हुआ कभी कि आपकी छाप काट दियो रागनी किसी और कलाकार ने गा दियो और आपका नाम नहीं लिया हो आपकी रागनी हो? देखिए भाई ऐसा मेरे साथ तो कोई किसी कलाकार ने ये काम और कर्म करया नहीं और उसके तो मैं उचित भी नहीं समझता, कोई किसी की छाप काटा है या कोई किसी का नाम बदला है या कोई किसी गलत धोखा बेईमाना छड़ करे है, मैं उसको इंसान नहीं मानता।
तो सर जैसे आप तो हर जगह स्टेज पर रहते हो लगभग हरियाणा में जी, तो ऐसा कोई कलाकार देखे हो जी आपका रागनी नु भैया, तो उस कलाकार की थी उसका नाम कैट का उसका जोड़ दिया जी, कोई ऐसा कलाकार देखे हो जी हरियाणा में आपने? देखिए ऐसा भी मैंने कोई सा कलाकार नहीं दिख रहा, जिसकी से उसे की गाँव है, हर गाणी भी उसे की चाहिए, छाप काट के बड़ा बन जाएगा किसी के छाप काट के, या मतलब न्यू कह ले किसी का घर पर कब्जा करके, किसी की जमीन पर कब्जा करके कोई बड़ा नहीं बनया। वो बात है, किसी की छाप काट के कोई सीनियर नहीं बनया, कोई बड़ा नहीं बनया, हर ना छाप किसी की काटनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो साथ किस किस ने दिया सर आज तक आपका साथ किस किस ने दिया? नहीं साथ तो वैसे सबसे ज़्यादा साथ तो समाज ने दिया है, और कलाकारों में भी कई कलाकार ऐसे हैं जिसने मेरा बड़ा मान सम्मान किया है, बड़ा साथ दिया है और आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, और भाई आशीर्वाद भी दिया है, सीनियर कलाकार उनका आशीर्वाद भी है सभी का। कोई ईसा भी है जी जो टांग खांचन में भाई ईश्वर आगन जाना चाहिए टांग पकड़ के पाछा खींच लिया हो? ईब लग तो को राहुल आया नहीं भाई, और आगे का थोड़े तड़के में खेदड़ जाऊँगा उस पर, जब वह कोड़े बैठा पा गया वो मौका की बात से टांग खींचने तो कोई यार ना 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 ये तो सोच हुआ होगी नहीं, फिर टांग खींचनी आदमी उसकी भी तो कोई खींच नहीं आओगा, कोई मेरी खींचेगा या और किसी ही खींचेगा, तड़के को उसकी खींच नहीं आ जाएगा। मैं तो उसने अच्छा आदमी अच्छी सोच का आदमी मानूँ, एक दूसरे को आगे बढ़ता देख के भाई उस पर जड़े या जड़त करे या मतलब उसकी टांग खींचे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, ये कोई कलाकार का मतलब वो नहीं है इन बातों में। तो सर जैसे ही आपने खेदड़ का नाम लिया, खेदड़ भी आप धने पर हो सर, लगातार एक स्टेज पर काम आपने कितने दिन किया सर? शायद ये रिकॉर्ड भी आपके नाम है, कितने दिन फिर भी एक बार दर्शकों को बता दो, बस लगातार मैंने इतने दिन एक स्टेज पर काम करते होने होगी। वैसे राहुल भाई 56 दिन, 62 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 31 दिन तो अनंत गणित कर लिए। फिलहाल जो मैं जिस धरने पर कहिए, जिस समाज में कहिए, जिस गांव में कहिए, जिस मांग और समस्या को लेकर या कलाकारी दिखा रहा हूँ या लोग बुला रहे हैं, आज मैंने खेदड़ गांव में लगातार 72 दिन हो गए आज, यानी लगातार 72 दिन हो गए, और प्रोग्राम हो गया मेरा आज 148वां। तो खटखट टोल से सीधे खेदड़ गए होगे सर फिर आप, जैसे 72 दिन आप बता रहे हो? नहीं खटखट टोल के बाद तो यार 47 दिन थोड़े खेड़ी भी रहा हूँ, और 72 दिन थोड़े भी है, वो हैं और ये भाई कई साधु संत महात्माओं के एकड़ी, राजनीति के एकड़िया, टोल प्लाजा के एकड़िया भाई, और समाज के खा पंचायतों की जो परंपरा, एक खा पंचायतों के सम्मेलन हुए हैं तो उसमें भी परमपिता परमात्मा का उससे समाज ने बड़ा खा पंचायतों का सम्मेलन में भी, चाहे आज की बात थी, आज मतलब एक सम्मेलन था दूसरे गाँव में, वहाँ भी हमारी टीम गई थी। लगातार कितने दिन? 148वां प्रोग्राम है यू आज लगातार, जिसमें कोई एक भी छुट्टी नहीं है, ना दिन की ना रात की, दिन में करिया जे रात ने नहीं करिया, रात ने करिया जे दिन में तो सोए फिर। अच्छा जी, 148वां प्रोग्राम। तो आगे कितने दिन है जो खेदड़ आप बता रहे हो, अब आप खेदड़ जा रहे हो तो कितने दिन संभावना, कितने दिन और चल सकता वो? देखिए राहुल आगे का तो तने बेरा ने मने बेरा, हाँ जी, या तो मालिक ने बेरा, या उन संत संत महात्माओं ने बेरा, या उस गौ माता ने बेरा, भाई आगे कितने दिन चलेगा, के मिलेगा, आगे की तो कुछ नहीं कह सकते आगे के बारे में, तो आगे भाई कहाँ से आए कहाँ जाते हैं बता सके ना कोई विद्वान, पता नहीं मानस कहाँ से तो आवे कहाँ चले जावा, ये तो कोई विद्वान भी नहीं बता पाए उस जो आगे के बारे में, तो राहुल पता नहीं, मन ने पता नहीं, और भाई ना समाज ने पता, मालिक ने पता। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही। तो सर एक बात पूछना चाहूँगा, ये प्रोग्राम टाल कर जो 148 दिन चल रहे हैं, इससे अलग एक महीने में सबसे ज़्यादा कितने दिन गए हो जी? एक महीने में इससे अलग आया हूँ मैं 42 दिन, 42 प्रोग्राम करे हमने एक महीने में। अच्छा, इससे अलग जब वो राजनीति के थे, जब वो किसानों के थे, जब वो खा पंचायतों के थे, या कोई और साधु संत महात्मा को और कोई समाज का कोई खुशी का, 42 प्रोग्राम एक भी नम करे हैं, और एक दिन में नौ करे है ये भी रिकॉर्ड।
एक दिन में नो प्रोग्राम जी, ये सारे रिकॉर्ड मतलब आपका नाम है जी? नहीं, रिकॉर्ड तो एक से एक अला पड़े, रिकॉर्ड तो नहीं मंगा, लेकिन एक दिन में नौ प्रोग्राम करने, एक महीने में 42 प्रोग्राम करने, अब तक परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा है। इतना काम मैंने एक दिन में नौ प्रोग्राम गाड़ी में साजन देते, मैं मोटरसाइकिल पर था, वो भी पता है। तो सर आपका याद हो तो ये रिकॉर्ड किसका नाम है एक महीने में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करने? तो जी इस बात का तो एक से एक सीनियर पड़े जो मैंने को मेरा है, करा कितने कला पड़े इस देश में, इस प्रदेश में, ये नहीं कह सकता यार, मेरे से सीनियर भी सारे सीनियर हैं। फिर भी सर पता तो होगा सर आपने नो सारियाँ इस लाइन में रहो जी? ना ना ना, ये दूसरे का भी आप तने के बेरा मेरी गोज में कह पीछे, मन के बेरा तेरी गोज में कह पीछे, और तो तने मेरा है नहीं, मन तो मेरा बता दिया और आगा मन के बेरा, और भी सारे मतलब उनके भी बात हैं, प्रोग्राम तो बढ़िया प्रोग्राम करें, बढ़िया कलाकार है, सारे साथी बढ़िया। तो सर पब्लिक का कितना प्यार मिला है जी? मिला के मिलने लग रहा है, और भी कहा मैम न मिला है सर, मैं वो बोल रहा हूँ नहीं, 100 का 100 तो भी ऊपर है यार, ईश्वर क्षत्रिया ने पब्लिक सुनने के जाने वाले कितने हैं सर आपके? 100 के 100 भाई, जब यार तू तो राहुल बच्चाली बात करे, जब एक स्टेज पर बैठे तो उसे मानस ने सुने, उसे मानस ने बुलावे, कुछ तो कोई तो गुण खूबी होगी ना सही। हाँ बैठर दिन में तो यार मानस बालकाएं तो सीख ले। तो सर ईसा भी कोई कलाकार है भाई, कितने प्रोग्राम में आपका नाम लिख दिया हो अकबा ईश्वर छात्र तो मरा होगा, फिर कोई कलाकार नु गंदा हो ना स्टेज वक्ता उसका के करोगे ईश्वर छात्र का, और किसी ने बुला लेंगे उसने तो रहने दियो, इसे भी कोई कलाकार है ना अपने कोई ईसा कोई मतलब हो भी का कोई कलाकार, लेकिन मेरे आगे कोई ऐसा कलाकार नहीं हुआ कोई, यार कह दिया मतलब कोई से कि कोई टांग खींचेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी सोच इतनी है, मतलब मैं तो नहीं कहूँ उसको, परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे रहा, आगे वो तरक्की करो, मेहनत करो, भाईचारा में जुड़ के रहो भाई, भलाई के काम करो, अच्छाई के काम करो, वो आदमी आगे बढ़ेगा, टांग खींचनी आगे नहीं बढ़ेगा कदे। अगर कोई प्रोग्राम करवाना चाहो तो सर ईश्वर छात्र से संपर्क करना चाहो सीधा, कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं? नहीं वो तो आई तो यार पहला तो वह थे बलकन कपड़ाली जी पाया कर दी उन टेमा में तो घर आए बुलाने खातर, अरे तो फोन ना तो अगर फोन के ऊपर न्योंदा दे दे काम समेट गया नाइयागा, और गोद ब्याह ईसा चलिया ना रहा काम लुवाइयागा, इब तो फोन ना तो सिस्टम चल रहा है सारा। तो सर एक बात और है सर, आप पूछ तो सबसे ज्यादा पैसे एक दिन में कितने किस प्रोग्राम में लगा लियो सर, एक दिन का प्रोग्राम हो सबसे ज्यादा पैसे कितने ले आए हो सर? नहीं पैसे तो कितने ले आए थे वहाँ तो बात को नहीं, लेकिन वाई फेयर आएगी बात थोड़ा, जब एक दिन में नो कर दिए पीछे तो उसे मंगने आवेंगे नहीं, आज जब नो प्रोग्राम करे पीछे तो उस मंगने आवेंगे ना। एक प्रोग्राम की बताओ जी, एक प्रोग्राम में बनू याद हो इतने रुपये एक के प्रोग्राम में उसमें दिए थे? अरे लोगों ने मान सम्मान बतेरा करे हर खूब दे रहे हर खूब देवेंगे, और बढ़िया मतलब भाईचारा का साथ मिला, बढ़िया कलाकार का साथ मिला है, और पैसा दे ली तो आनी जानी चीज़ है, समाज तक जुड़ कर वो आदमी आगे बढ़ेगा। एक बात हो रहा सर, अगर कोई बच्चा अगर ईश्वर छात्र ने ये कहा कि जी मैं भी आपकी तरह आशा कलाकार लगा लो या रागणी कलाकार प्रचारिक लगा लो जी बढ़ना चाहूँ, तो उसको आप क्या सलाह दे? नहीं सलाह मैं तो उसको पहला तो आज जुड़ के नहीं पढ़ ले, अगविद्या क्रम दूसरा उसे पढ़ी हो याना स्याना सारी चीज़ बांटी जाओ राहुल भाई, माँ बाप पशु जमीन सोना चांदी पीसा दे ली सारी चीज़ माँ बाप ने भी बैंड ले, एक हमने बूढ़ा ले जाए एक ने बुढ़िया ले जाए छोरे, और कहने का मतलब ये पढ़ाई शिक्षा जिस जो बच्चा जितना पढ़ेगा जिसके पास में जो योग्यता होगी जितनी शिक्षा होगी वो नहीं बंटेगी, इस करके मैं तो पहला नहीं कहूँ भाई तेरी पढ़ने की उम्र है पढ़ ले, और नहीं पढ़ने की ठीक है तू आ भाई जिस हमारे जाना जिस हमारे पश के आ जाएगा, और जितनी तू मेहनत करेगा इतना आगे बढ़ेगा, और होना भी कलाकार का एक मतलब रास्ता दिखाने वाला, जैसे महेशा की पदवी मिले कि महेशा जी का भी मतलब यूँ महान बड़ा आईना दिखाने वाला, तो कहने का मतलब उसको भी अपने मतलब जो उसका पास मावे है तो उसको बढ़िया रास्ता बैलबाजी तय या मतलब उन चीज़ों से बचाए के और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ये बड़ा का सीनियर का गुरु का मतलब आशीर्वाद भी ये चाहे, तेरा कोई भी मास्टर ये नहीं चाहेगा तेरा तेरी पढ़ाई हो सारी क्लास फैल आवे, सब नहीं सोचेंगे तेरा पढ़ाया बच्चा IPS IAS अफसर बने, और लेकिन
गुरु भी अपना चेले सारे ने सोचा भी तेरा नाम आगे बढ़ावे, तरक्की करे, माँ बाप का भी नाम आगे बढ़ावे, गांव का नाम, जिला का, प्रदेश का। तो मेरा भी यूँ है भाई, मतलब जो इस लाइन में आवे नहीं, पढ़ने की उम्र तो उसे पढ़ लियो, अरनी भाई बैलबाजी ने छोड़ के अरजे इस लाइन में बड़ो हो, बढ़िया काम करो, सच्चाई के ऊपर रहो, वो आगे बढ़ेगा। तो एक बात हो रहा सर, जो कर आपके शिष्य हैं जी, कितने शिष्य आज तक रहे हैं सर, पहले तो ये बताओ। नहीं रहे नहीं को है बदल के भाई ना है तो सर आज तक मतलब इतने बच्चे बने हैं जी, 8-7 शिष्य है मेरे और सभी बढ़िया, समा सभी बढ़िया, मतलब हर चीज गणित है, बैलबाजी गणित है भी, मान सम्मान गणित है भी, कदर गणित है भी, बुलगत गणित है भी, कलाकारी गणित है भी। एक मेरा चेला संदीप बहुत अच्छा, मतलब हरियाणा प्रदेश में उसका आज नाम है, जे मेरे दो प्रोग्राम है या उसके दो प्रोग्राम, या कह ले एक मैं करूँ एक वो करे है, प्रदीप है गोगड़िया तो बहुत अच्छा कलाकार है, कई कलाकार है, मतलब जो समाज में आगे बढ़ने लग रहे, मेहनत करने लग रहे, आगे बढ़ेंगे, आशीर्वाद भी है परमपिता परमात्मा का, समाज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद राहुल, बहुत बहुत भाई तेरा भी धन्यवाद, आर के नाम था तेरा राहुल ऑफिशियल। हाँ जी। और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये भी मेरी हाथ जुड़ के है, सभी समाज के सभी युवा साथियों से निवेदन है, प्रार्थना विनती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद।